से देख लीजिए, मैंने आपको बताया था एंटीमोफिली मतलब हाइट, फिर से रिवाइज कर रही हूँ, एनिमोफिली मतलब एयर के विंड के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन एनिमोफिली कहलाएगा, वाटर के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन हाइड्रोफिली कहलाता है। हाइड्रोफिली जिसमें आपके फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों आएंगे। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल हमने आपको बताया था हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। फिर हमने बताया था कुछ प्लांट एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं पर उनमें हाइड्रोफिली नहीं होता, जैसे वाटर हाइकिन, वाटर लिली, ये पानी में रहने वाले प्लांट हैं पर इन प्लांट के फ्लावर वाटर लेवल से ऊपर होते हैं, तो इनमें पॉलिनेशन आपके इंसेक्ट और विंड के द्वारा होता है। फिर आपके मैराइन वाटर का एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको वेलिस नेरिया और जॉयस्टरा, तो वेलिस नेरिया सॉरी सी ग्रासेस और जॉयस्टरा, तो ये आपके मैराइन प्लांट थे जिनमें हाइड्रोफिली था। फिर आइए इंसेक्ट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन एंटीमोफिली कहलाता है। एंटीमोफिली के लिए हमने अडेप्टेशन बताई थी, फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, रात में खिलने वाला फ्लावर है तो उसमें फ्रेग्रेंट खुशबू होनी चाहिए, और फ्लावर नेक्टूरियस मतलब इसमें नेक्टर भी हो तो भी इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी अडेप्टेशन स्टिकी होना चाहिए, जिससे इंसेक्ट के संग चिपक कर ये पॉलिनेट हो सके, तो ये एंटीमोफिली हो गया। जैसे हमने युक्का प्लांट और मॉथ इंसेक्ट के बीच का रिलेशन बताया था, युक्का प्लांट की ओवरी के लोक्यूल के अंदर मॉथ इंसेक्ट अपने अंडे देता है, जब इन अंडे से लार्वा और बच्चे बनेंगे तब वो वहां निकल के पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। तो ये युक्का प्लांट और आपके मॉथ इंसेक्ट के बीच का म्यूचुअलिज्म है। अब बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन हो तो ऑर्निथोफिली, एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन हो तो जूफिली, स्नेल के द्वारा पॉलिनेशन हो तो मेलाकोफिली, आंट चींटी के द्वारा पॉलिनेशन हो मैरीमेकोफिली, चमगादड़ बैट के द्वारा पॉलिनेशन हो तो चिरोपिट्रोफिली। ये हो गया आपके एजेंसी के अकॉर्डिंग क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, किसी को भी कोई डाउट। नहीं देखिए बेटा, अब हम आपको एक कंडीशन बता रहे हैं, फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है। फ्लावर हमारा कैसा है? फ्लावर बाइसेक्सुअल है मतलब इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल हो गया ना। लेकिन फिर भी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा, फिर भी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा, क्यों? पहले हम आपको ये बता दें, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए, ये पॉइंट ध्यान से सुन लीजिएगा जरा। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दो अडेप्टेशन होती है बेटा, एक तो फ्लावर क्लिस्टोगैमस होना चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए? क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस का मतलब जानते हैं? क्लिस्टोगैमस का मतलब जानते हैं बेटा? नो
क्रिस्टोगैमस मतलब फ्लावर क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर का मतलब फ्लावर कवर्ड हो या बंद हो, जिससे क्या होगा उनके आपस में मेल और फीमेल के बीच पॉलिनेशन हो जाएगा, कोई दूसरा फ्लावर का पॉलिन ग्रेन आके इस फ्लावर के फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। तो क्या बताया मैंने, क्लिस्टोगैमस होना चाहिए, फ्लावर कवर्ड या क्लोज होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन की पहली अडेप्टेशन है फ्लावर क्लिस्टोगैमस होना चाहिए, मतलब कवर्ड या क्लोज। ये कवर्ड या क्लोज होगा तो इन्हीं के दोनों के बीच पॉलिनेशन होगा, कोई दूसरा अनवांटेड पॉलिन ग्रेन आके इसकी फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाए। आगे ये पॉइंट समझ में। दूसरा, आपके दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंथर और फीमेल कार्पल, स्टेमेन और कार्पल सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, तभी तो दोनों के बीच पॉलिनेशन होगा। आगे चीज समझ में। तो ये है आपके सेल्फ पॉलिनेशन की अडेप्टेशन, दोनों पॉइंट लिख लीजिए। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन है, पहली फ्लावर क्लिस्टोगैमस होना चाहिए, क्लोज्ड या कवर्ड, जिससे अनवांटेड पॉलिन ग्रेन इसकी फीमेल को पॉलिनेट ना कर सके। दूसरा, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, भाई सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तभी तो उनके बीच पॉलिनेशन हो पाएगा। आगे ये दोनों पॉइंट समझ में। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या एडेप्टेशन होनी चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर चेस्मोगैमस होना चाहिए, चेस्मोगैमस मतलब फ्लावर ओपन होना चाहिए, भाई क्रॉस में एक फ्लावर के पॉलिन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं ना, तो जब वो ओपन होगा तभी तो उसे पॉलिनेट कर पाएंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या एडेप्टेशन होना चाहिए, फ्लावर आपके चेस्मोगैमस होना चाहिए, मतलब ओपन होने चाहिए, चेस्मोगैमस का मतलब ओपन होने चाहिए, तभी जाके आपके एक प्लांट के पॉलिन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट कर पाएंगे। आगे ये दोनों पॉइंट समझ में बेटा, क्लियर है, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए आपके। मैम सेल्फ पॉलिनेशन में क्लोज होगा फ्लावर, तो मैम पॉलिन ग्रेन जाएंगे कैसे मैम अंदर में? सेल्फ पॉलिनेशन में तो बेटा इन्हीं दोनों के बीच होगा ना, बाईसेक्सुअल फ्लावर में है ना, तो पॉलिन ग्रेन बाहर से तो नहीं आएंगे ना, तो इसलिए ना आ पाए, इसीलिए ये कवर्ड होना चाहिए आपके, जिससे कि दूसरे फ्लावर के पॉलिन ग्रेन यहाँ पे ना आ पाए, कंटामिनेशन ना हो, तभी तो ये कवर्ड है। और क्रॉस में तो एक दूसरे के आ रहे हैं, तो फ्लावर ओपन होगा तभी तो दूसरे को आ पाएंगे, तो फ्लावर आपका चेस्मोगैमस होना चाहिए। आ गया कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, चलिए मीटिंग आपकी ये वाली सेकंड वाली खत्म होने वाली है 2-3 मिनट में। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नेक्स्ट टर्न पे हम चलेंगे। आपके बाईसेक्सुअल फ्लावर है, और फ्लावर बाईसेक्सुअल होने के बावजूद भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों, इसके रीजन बताएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए।